नहीं नहीं मीडिया का विरोध नहीं हो रहा है, मीडिया का विरोध नहीं हो रहा है। इस सवाल से जुड़ा हुआ इससे पहले का सवाल ये होना चाहिए कि जिसका विरोध हो रहा है वो मीडिया है भी क्या। सवाल ये है कि जिसका विरोध हो रहा है वो मीडिया है क्या, या वो कोई गिरोह है जो सरकार के इशारे पर, पुलिस के इशारे पर, कुछ लोगों के इशारे पर एक गुंडे की ज़ुबान बोल रहा है, गिरोह की तरह बर्ताव कर रहा है, वो इस देश के किसानों को गालियां दे रहा है, उसके खिलाफ एक पूरा नरेटिव सेट करने की तैयारी कर रहा है। देखो दोस्त, मीडिया जो है ना वो गले में लटका हुआ कोई पट्टा नहीं है, है ना, कि किसी कंपनी का पट्टा लगा लिया और एक माइक आईडी उठा ली तो आप मीडिया हो गए। मीडिया ऐसे नहीं होता है, मीडिया पढ़ाई लिखाई है, उसको बरतना पड़ता है, वो एक मानसिक स्थिति है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। ये मीडिया जिसका विरोध हो रहा है उसको मैं मीडिया मानता ही नहीं। ये तो बड़ी खुशी की बात है, इससे अच्छी कोई स्थिति हो ही नहीं सकती है कि जिसको आप यूट्यूबर कह रहे हैं, जिसको आप अल्टरनेट मीडिया कह रहे हैं, जिसको आप सोशल मीडिया कह रहे हैं, वो जो बात कर रहा है उससे सरकार को परेशानी हो रही है। सरकार को परेशानी इस वजह से तो होती नहीं है किसी सरकार को कि आप उसकी तरह की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप सरकार की बात करेंगे तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब आपकी बात सरकार के खिलाफ जाएगी तो दिक्कत होती है। तो इससे ज़्यादा गोल्डन पीरियड तो जर्नलिज्म का हो ही नहीं सकता है कि कोई खत्ता, इस देश का कोई तबका, इस मीडिया में कोई एक ऐसी स्थिति बनी है, कोई ऐसा ग्रुप खड़ा हुआ है जिसकी वजह से सरकार को डर लग रहा है, उसको परेशानी हो रही है, उसको सफाई देनी पड़ रही है। तो इससे बेहतर स्थिति तो कुछ हो ही नहीं सकती। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इस पर खुश होने की ज़रूरत है, इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। सरकार तो डरा रही है, आप डर क्यों रहे हैं? सरकार का तो काम है डराना, और ये कोई यही सरकार नहीं डरा रही है, इसके पहले की सरकारें भी डराती रही हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं हुआ नहीं है, वरवरा राव के साथ क्या हुआ ये कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये कोई आज की स्थिति नहीं है। पानसरे की हत्या किस सरकार के ज़माने में हुई है किसी से छुपा नहीं है, दाभोलकर की हत्या किसके ज़माने में हुई है किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार का धर्म है डराना, वो अगर डराएगी नहीं तो उसका धंधा नहीं चलेगा। सवाल पत्रकार का केवल इतना है कि वो इससे डरकर अपनी ज़ुबान बदल लेता है या इस डर का सामना करते हुए सच बोलना जारी रखता है। अपने करियर में कभी भी मेनस्ट्रीम मीडिया का, जिसको आप कह रहे हैं, अगर आपका इशारा टेलीविज़न चैनलों की तरफ से, तो ऐसा विरोध मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। जब उनके रिपोर्टर्स को घुसने नहीं दिया गया किसी आंदोलन में, जब उनको माइक आईडी छुपाकर उसमें घुसपैठिए की तरह जाना पड़ा, जब उनको चेहरे पर मास्क लगाकर पीटूसी करनी पड़ी, इससे भयावह मैंने देखा नहीं है कि उनकी विश्वसनीयता कभी भी एक बड़े तबके ने खारिज कर दी है। ये विश्वसनीयता किसी रिपोर्टर की विश्वसनीयता नहीं है, ये एक मीडिया जिसको आप संस्थान कहते हैं, जिसको आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसकी विश्वसनीयता को खारिज कर देने का मामला है। ये मामला सीधे सीधे मीडिया के, इस देश के बहुसंख्यक लोगों के खिलाफ खड़े हो जाने का मामला है। ये मामला सीधे सीधे उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाने का मामला है जिसको आप दलित कहते हैं, जिसको आप पिछड़े कहते हैं, जिसको आप आदिवासी कहते हैं, जिसको आप पसमांदा कहते हैं, जिसको आप अल्पसंख्यक कहते हैं, जिसको आप मुसलमान कहते हैं, जिसको आप जैन, बौद्ध, पारसी, सिख कहते हैं। नौकरी छोड़ना एक प्रक्रिया है, नौकरी छोड़ने से खूबसूरत बात दुनिया में कुछ हो नहीं सकती है, है ना। नौकरी छोड़ना, आप जब नौकरी करेंगे और फिर जब छोड़ेंगे ना, और वो भी 20 साल के करियर के बाद, तो वो देखिए, हर नौकरी एक गुलामी है, उसका उसका नाम ही है नौकरी। उसमें नौ कर्म करने पड़ते हैं, सवेरे तैयार होना पड़ता है, दफ्तर जाना पड़ता है, दूसरे के लोगों के कहने पर काम करना पड़ता है, तो नौ कर्म करना पड़ता है। जिस दिन आप नौकरी छोड़ते हैं ना, उस दिन आपको आज़ादी मिलती है, तो मैं उस आज़ादी को एंजॉय कर रहा हूँ। क्या कहा जाता है वो नहीं है, सवाल ये है कि अगर समाज के सरोकारों की बात मीडिया कर रहा है तो ये लोग क्यों तख्तियाँ लेकर घूम रहे हैं यहाँ के किसान, कि इस चैनल के रिपोर्टर यहाँ ना आए, उस चैनल के लोग यहाँ ना आए। इस देश में लगभग 70% आबादी किसानों और उनके परिवारों की है, उससे ज़्यादा ही होगी, है ना। इस देश की इकोनॉमी में 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसानों का है। तो आप बताइए कि जब इस देश के 70% लोगों को लग रहा है कि ये मीडिया हमारा नहीं है, तो हम और आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये मीडिया आपका है। देखिए, कंट्रोल तो करने की कोशिश करेगी, है ना। अब सोशल मीडिया पर कंट्रोल इसलिए कर रही है क्योंकि वो टेलीविज़न चैनल पर और मेनस्ट्रीम मीडिया पर कंट्रोल कर चुकी है, अब वो सरकार की ज़ुबान बोलने लगे हैं, तो उसको ज़्यादा दिक्कत कहाँ से होगी। मैंने शुरू में ही कहा था कि उसको दिक्कत मेनस्ट्रीम मीडिया से नहीं है,
वो सरकारी भोपू में तब्दील हो चुके हैं। उसको दिक्कत यूट्यूब से है, उसको दिक्कत फेसबुक से है, उसको दिक्कत इंस्टाग्राम से है, उसको दिक्कत व्हाट्सएप से है, उसको दिक्कत उन नौजवानों से है जो सरकार की राय से अपनी राय नहीं इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जहाँ से उसको दिक्कत होगी वहाँ वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इस देश में दो तरह का मीडिया खड़ा हो गया है, एक मीडिया है वो सरकारी मीडिया है, दूसरा मीडिया है जो सामाजिक मीडिया है। आप सोशल मीडिया और एंटी, जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं ना, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। इस देश में दो तरह का मीडिया काम कर रहा है, एक सोशल मीडिया काम कर रहा है जो समाज की बात कर रहा है, और एक एंटी सोशल मीडिया काम कर रहा है जो समाज के खिलाफ बात कर रहा है। देखो बॉस, ऐसा है ना कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में खराबी है तो आप उसी को ख़त्म नहीं कर देंगे। विकास दुबे क्या है, पूरा थाना जेब में लेकर घूमता था, SHO सलाम ठोकता था, CO उसकी मुखबिरी करता था, तो क्या दिल पूरे उत्तर प्रदेश से आप पुलिस को उखाड़ कर फेंक देंगे, इस व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे? इस देश के कई मंत्री भ्रष्ट निकले हैं तो संसद भंग कर देनी चाहिए, इस देश के कई प्रधानमंत्रियों ने कहा है। सवाल ये है कि आप जिस चीज़ में खराबी पा रहे हैं उसको दुरुस्त करेंगे ना कि उसको ख़त्म कर देंगे? हिंसा किसी चीज़ का जवाब नहीं है, और मैं बायकॉट को भी हर चीज़ का जवाब नहीं मानता हूँ। आप कुछ चैनलों से बात, मैं किसानों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप जो आप कुछ चैनलों से बात करने को राज़ी नहीं हैं, आप कुछ पत्रकारों से बात करने को राज़ी नहीं हैं, आपको करनी चाहिए। अगर आप किसी खास चैनल पर जो आपकी बात नहीं भी रखता है अगर उस पर अपनी बात करेंगे तो हो सकता है वो आपको ना दिखाए, लेकिन इससे एक अच्छा संदेश जाता है कि किसान जो है ना वो इंक्लूसिव चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव है। धान से सेकुलर चीज़ दुनिया में कुछ है? भात हिंदू खाता है, भात मुसलमान खाता है, सिख खाता है, ईसाई खाता है, तो किसान से ज़्यादा सेकुलर इस संसार में कोई है ही नहीं। वो हर चीज़ को इंक्लूसिविटी के साथ देखता है। तो मैं तो किसानों से कहूँगा कि आप हर एक आदमी से बात कीजिए, आप किसी भी पत्रकार का बाइकॉट मत कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए कि आप उनके सवालों का जवाब मत दीजिए, आप बाइकॉट मत करिए, आप जो सवाल करते हैं उन सवालों का अपने तरीके से जवाब दीजिए, इससे अच्छा संदेश जाएगा।